बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ गत 96 दिनों से समाज सेवी अधिवक्ता आम आदमी पार्टी के नेता विजय मिश्रा का कमिश्नर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यह धरना होली के त्योहार में भी जारी रहा। आपको बता दें कि श्री मिश्रा बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री मिश्रा ने चर्चा करते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के द्वारा लूटा जा रहा है। कई अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग के साथ साथ उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी और आम जनता के साथ हो रही लूटपाट बंद नहीं होगी, तब तक अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। विजय मिश्रा हमारा नाम है, हम वकालत करते हैं, समाज सेवी हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता हैं जी। ये कितने दिन से धरने पे बैठे थे? 7 दिसंबर 2022 से बैठे हैं। आज जो है 94 दिन हो गए, 94 दिन हो चुके हैं। अभी कोई प्रशासन नहीं आया, क्या मांगे थे? हमारी मांग ये थी कि जो विद्युत विभाग द्वारा आम जनता के साथ लूटमार की जा रही है वो बंद हो, और जो कुछ प्रकरण ऐसे पाए हैं कि जिसमें कि FIR होनी चाहिए अधिकारियों के विरुद्ध, वो हमने दिया है, SP कलेक्टर सभी को दिया है और MPP को, कि उसमें FIR की जाए। FIR नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 94 दिन से बैठे हुए, कोई अधिकारी नहीं आए, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। तो ये कौन सा कैंपस है ये? आज होली में होली थी तो वो फाग के लिए लोग आए थे, हमारे भैया लाल जी पटेल उपाध्यक्ष जी है, उनके सौजन्य से हुआ था जी होली का कार्यक्रम। हाँ, होली का कार्यक्रम था जी। क्या नाम है आपका? विजय मिश्रा, एडवोकेट, समाज सेवी हैं जी।